पीछे पीछे यार हमारे एसडीएम साहब जी यार आगे जाएंगे आगे ये सफाई कर्मचारी हैं नगर पालिका परिषद के, इन लोगों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। आदिशासी अधिकारी का चार्ज आज के डेट में डीएम साहब उनके एसडीएम नवाबगंज पर है, सारी जिम्मेदारी आज की डेट में एसडीएम साहब के पास में है। जो पत्रावली इन्होंने मांगी थी वो समस्त पत्रावलियां उनको दिखाई गई, किस प्रस्ताव के तहत ये कर्मचारी रखे गए थे, प्रस्ताव की कॉपी मांगी वो प्रस्ताव के रजिस्टर हमने दिए और सभासदों के अटेंडेंस रजिस्टर हमने दिए। उसके बाद में इन्होंने ये मांगा कि पूर्व का कोई वेतन निकला हो, प्रस्ताव हमने पूर्व के वेतन निकासी का भी इनको प्रमाण दिया, हमने इनका पुराना जो प्रस्ताव था वो भी आधार की कॉपी दी, तमाम चीजें इनको देने के बाद भी हम इनको दे चुके हैं। ये कहीं ना कहीं एक किसी बात का शिकार है एसडीएम साहब जो अपने कर्मचारियों की बात मान रहे हैं। एक तो ये तालमेल की कमी है कर्मचारियों के बीच में, तो परमानेंट कर्मचारी है नगर पालिका परिषद के और अधिशासी अधिकारी, ये पहले भी अधिशासी अधिकारी इन कर्मचारियों के पेट में घुस गए थे, ये कर्मचारी अधिशासी अधिकारी के पेट में घुसने के बाद में हमेशा ये लोग ये कहते हैं कि इन्होंने काम किस आधार पे किया, किस बेस पे किया है। ये लोग 2012 से काम कर रहे हैं, लगातार इनको किसी न किसी तरीके से वेतन मिलता रहा है। 2018 के बाद में 1 अप्रैल से इनको जब से ये काम पे लगाया गया, तो जब प्रस्ताव लास्ट अप्रैल में हुआ था 27 मार्च 2018 को प्रस्ताव पास हुआ था कि उसमें फिर इनको रखा जाएगा 100 कर्मचारियों को, इनको वेतन लिया दिया जाएगा उस प्रस्ताव के माध्यम से। अब ये चाह रहे हैं कि कुछ अलग प्रस्ताव बनने चाहिए, तो ये कौन से प्रस्ताव बनवाना चाहते हैं? अगर इनको कोई नए तरीके का प्रस्ताव बनाना चाहिए तो आने इनके पीरियड के बाद अब जो कार्यक्रम होगा कभी बैठक हो तो अपने हिसाब से प्रस्ताव बनाए, जो इनके पूर्व के प्रस्ताव थे उनको तो इन्हें उसी तरीके से मानना पड़ेगा क्योंकि आप थे नहीं, जब आप आज उपस्थित हो तो आप अपने हिसाब से अब आगे भविष्य अपने प्रस्ताव अपने तरीके से तैयार कराइए। इन्होंने ये कहा है कि अभी एक कर्मचारी को नियुक्त किया है कि इनके सारे डाटा निकाले, बैंक के स्टेटमेंट निकाले, किस तरीके से पुराने पेमेंट ठेकेदारों को निकाली गई है उसको भी ये आधार बनाएंगे, कुछ जो हमने दिए जो बैंक स्टेटमेंट आएंगे उनको आधार बनाने के बाद ये हम कर्मचारियों के लिए कल व्यवस्था कर रहे हैं।
कर्मचारी नियुक्त किया है एक नया, जो इनकी समस्याओं का निराकरण करेगा, पत्रावरिया तराज करेगा और वेतन बिल बना करके इनके सामने रखेगा। उम्मीदें तो पूरी हैं, जिस तरह से जो चीज इन्होंने मांगी हुई थी हमने वो दी है, मगर कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ये भी आदमी आया हुआ है एसडीएम, और पहले वाले तो थे ही थे। नवाबगंज के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश, राजनीतिक साजिश हो रही है। ना चेयरमैन को काम करने दिया जा रहा है, ना ही जो भी अधिशासी अधिकारी आता है उसको काम करने दिया जाता है। बीच की कोई कड़ी एक ऐसी है जो इन दोनों लोगों को जबरदस्त गुमराह करके दोनों को मिलने नहीं दे रही है, एक साथ बैठ करके काम करने नहीं दे रही है। नगर पालिका परिषद नवाबगंज के अंदर जब तक अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक कोई अन्य समस्याओं का भी निराकरण होना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। नगर निगम या नगर पालिका के अंदर विकास के मुद्दे भी लटके हुए हैं। एकजुट ना होने की वजह से एक तो राजनीति बहुत जबरदस्त है कर्मचारियों के बीच में, और अधिशासी अधिकारी जो भी इधर आता है यहाँ से लेकर बरेली तक, और शासन प्रशासन के अंदर जो अन्य पार्टियों के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक व्यवस्था जो यहाँ पे बन सकती है उसको तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि चेयर राजनीति की इशू अगर आप लोग देखो तो आपको केवल एक राजनीति इशू ही दिखाई दे रहा है इसमें, बाकी और कोई समस्या नहीं है। फंड जबरदस्त रखा हुआ है, प्रस्ताव बने हुए हैं, इन लोगों ने काम किया है, उसके वेतन बिल सबमिट करने की बात भी आई है और शायद कल वो सबमिट कर भी दिए जाएंगे।